जानवी कपूर और ईशान खट्टर रिसेंटली नजर आए अपनी अपकमिंग फिल्म धड़क के सॉन्ग झिंगाट पर नाचते हुए, जिसका मुंबई में हुआ लॉन्च। और इस मौके पर ईशान बेहद एक्साइटेड नजर आए और बताया इस सॉन्ग के बारे में। बहुत खुशी है इस मौके पे, हमारी फिल्म की कहानी के लिए बहुत अहम हिस्सा तो है ही ये गाना, लेकिन अपने आप में ही इस पे परफॉर्म करने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस गाने का, और ख़ास करके जो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिरिक्स के साथ किया है उसका मज़ा हमने पूरी तरह से उठाया, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंसेस भी ऐसे ही मज़ा लेंगी। वेल, अब गाना तो पहले से ही पॉपुलर है, लेकिन इस गाने पर परफॉर्म करना कितना मुश्किल रहा ये शेयर किया जानवी ने। शूटिंग से पहले मैंने झिंगाट ये गाने को बहुत बार सुनी थी, और अमिताभ भट्टाचार्य जी ने इतने मज़ेदार लिरिक्स लिखे हैं, तो मतलब वो लिरिक्स मेरे जहन में बैठ गए थे। एंड एक्चुअली दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम मधु के नज़रिए से है, पार्थिवी के लिए, और मुझे बस रिएक्शन देना था। लेकिन हर बार जब भी फरा मैम कैमरा मुझ पर डालती थी रिएक्शन के लिए, मैं लिपसिंग कर ही रहती थी मधु के लाइंस के लिए, तो फिर यू नो शी ऑलवेज स्टॉप मी, लाइक व्हाई आर यू सिंगिंग, हु आर यू सिंग, मैं पूरे पल्टन के साथ लेके भारत लाइक फॉर हु। और इस गाने के लिए दोनों को कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, चलिए उन्हीं से जानते हैं जी। एक्चुअली हमने सिर्फ एक या दो दिन, एक दिन प्रैक्टिस की थी, और वो सिर्फ हुक स्टेप किया ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ओनली। आई थिंक फरा मैम सेड के हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ईशान को बस खुला छोड़ दिया था। इसके साथ ही ईशान और जानवी ने इस गाने के दौरान के कई मजेदार किस्से भी मीडिया के साथ शेयर किए।